मैंने क्रिमिनल से की थी, तो क्योंकि रेप, डकैती और मर्डर तीन चीज हम ज्यादा करते थे, जो मेरे सीनियर हुआ करते थे वो तीन चीजें ज्यादा करते थे, उनके पास यही केसेस थे। तो शुरू में तो मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है, कैसे कैसे क्राइम आते हैं, कैसे कैसे लोग क्राइम करते हैं। फिर एक दिन मेरे सीनियर ने मुझे एक रेप वाला ही मुझे याद है कि केस था कि किया, मैंने किया, उन्होंने मुझे वो चांस दिया कि आप करो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा करके कि मतलब मैंने पता नहीं क्या कर दिया, क्योंकि हम लोग नॉर्मली हम लोग बड़े अलग एंगल से चीज़ों को देखते हैं। तो जब मैंने किया तो मुझे ऐसा लगा मैंने किसी क्रिमिनल को सजा दिला दी, क्योंकि जब आप फेयर ट्रायल करते हैं, जब आप फेयर एविडेंस कराते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपने क्या किया। एक वकील को बखूबी पता होता है कि उसने क्या किया है, और एक पुलिस वाले को बखूबी पता होता है उसने क्या किया, डॉक्टर को बखूबी पता होता है कि कहते हैं एक इंसान की अंदर की एक रूह होती है जो उसको अच्छा काम करने पर भी बताती है और बुरा काम करने पर भी बताती है। तो हमसे अपने आप को जानने वाला कोई और इंसान नहीं है, या तो ऊपर वाला है या फिर हम। तो जब मैं करके घर पर आई, और जब मैंने अपने घर में मम्मी को बताया कि मैंने ऐसा ऐसा आज जो है वो मैंने कराया है, तो वो बहुत मतलब खुश, तो घर वाले होते ही हैं कि जब भी उनका बच्चा कुछ करके आता है और वो मुझे बताता है तो घर वाले खुश होते ही हैं। तो लेकिन मैं वो शायद मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाई वो मेरी खुशी की, मैंने क्योंकि वो इनिशियल था। अब तो हम लोग हैबिचुअल हो गए कि तमाम तरीके के केसेस करते हैं, तो हम लोगों को इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, हर तरीके के केसेस भी आते हैं। तो क्योंकि उस टाइम पे रेप जैसी चीज़ें, मर्डर जैसी चीज़ें तो हम करते, मतलब मैंने किया तो, और मैंने देखा कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि समाज में हम आपके पास उस तरीके की चीज़ें सामने नहीं आती हैं, हम लोगों के सामने आती है, क्योंकि हम लोग उस चीज़ का हिस्सा है, उस सिस्टम का हिस्सा है। तो वो कहीं ना कहीं लगा कि आज मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि सभी वकील फेयर नहीं है, पता नहीं क्यों सभी पुलिस वाले जो हैं वो चोर हैं, तो क्योंकि वो ठीक से जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं, करते ही नहीं, इनको पैसा इधर उधर से मिल जाता है और वो उल्टा सीधा जो है कर करके ले आते हैं। तो जब मैंने उस फाइल को पढ़ने के बाद जब मैंने कुछ उसके अंदर फैक्ट्स निकाले, और क्योंकि मैंने खुद इंडिविजुअल करा, तो मुझे मतलब इस तरीके की खुशी हुई, इस तरीके का सुकून मिला जो शायद मेरे बयान के बाहर है। क्योंकि जब आप कुछ ईमानदारी से कुछ चीज़ करते हैं, ईमानदारी का सुकून बहुत अलग होता है। तो ईमान कहते हैं ना कि रिक्शा वाला जो होता है वो रिक्शा दिन भर चलाता है, दिन भर मेहनत करता है, और मेहनत करके जब अपनी बीवी बच्चों के पास आता है, चाहे वो दिन भर में 100 रुपये कमा के लाए, 50 रुपये नहीं कमा के, लेकिन उसको सुकून रहता है कि उसने किसी का हराम नहीं किया, उसने किसी का कुछ ऐसा पैसा मारा नहीं, गलत नहीं किया, थोड़े में भी खुश रहता है। तो शुरुआत में तो मैं थोड़े में भी बहुत खुश थी कि भाई मैंने तो पता नहीं क्या कर दिया, और फिर हर रोज जब करने लगी तो फिर मुझे एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप हो गया कि हम, फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि अगर हमारे जैसे वकील, क्योंकि और लोग देखते थे तो और वकील कहते थे अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे कर दो, तो ऐसा लगता था कि सिर्फ हम ही ऐसे बचे हैं जो ईमानदार आदमी हैं, सिर्फ हम ही ईमानदारी से काम करें और कोई ईमानदारी से काम नहीं करे, खुद को लगता है। क्योंकि आपने ईमानदारी से किया होता तो आपको पता चलता है कि आप ईमानदार हो और बाकी लोग देखो ईमानदारी से नहीं कर रहे, तो वो खुशी अलग होती है। तो ऐसा नहीं है, हम लोग की बहुत मेहनत होती है, ये फील ऐसा है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग फील है, बहुत टाइम लगता है, बहुत वक्त लगता है, और कई ऐसी स्टेजेस भी आ जाती हैं हमारे साथ ही, जजेस के साथ भी ऐसी स्टेजेस आ जाती हैं कि वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अभी जजेस की हालत तो आपको पता है, वो खुद जिस हालत में है, न्यायपालिका की क्या हालत है, तो न्यायपालिका इस जगह पहुंची है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जो सोचना पड़ेगा, क्योंकि न्यायपालिका के खुद जजेस जो बाहर आते हैं चिट्ठी लिखते हैं कि गवर्नमेंट का जो इंटरफेयर है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है हम लोगों को मिलकर करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग फ्यूचर हैं, आप लोग सोच रहे हैं वकील बनने के लिए, जर्नलिस्ट बनने के लिए, जर्नलिज्म की हालत देख लीजिए आप, जो हमारे जो कहते हैं ना एक सिस्टम के जो पेयर्स होते हैं, चाहे वो मीडिया हो
न्यायपालिका हो या आप ये देखिए हमारी सरकार और प्रशासन हो, सबकी हालत देख लीजिए, तो ये हम सब कब व्रत बन जाते पता ही नहीं चलता। भ्रष्टाचार कब हमें अपनी चपेट में ले लेता हमें पता ही नहीं चलता, कब भ्रष्ट बन जाते हैं। और ऐसा नहीं है शुरुआती दौर में हम सब ईमानदार हो, हमें ईमानदारी से काम करना है, हमें हमारे सारे बड़े हमारे टीचर्स हमें ईमानदारी के पाठ शुरू से जो वो कहते हैं ना कि वो पढ़ाया हुआ जो होता है वो कुछ टाइम तो लेके चल पाते हैं लेकिन आगे चल ही नहीं पाते फिर, तो हमें इसको आगे लेके चलना है कि जिस समाज की हम कल्पना करते हैं, हम सोचते हैं हमारी बहु बेटियाँ हमारी माँ हमारी बहनें जो घर से निकलती हैं वो सुरक्षित रहें, तो वो सुरक्षा तो तभी आएगी जब हम आप इस चीज़ के बारे में सोचें। लड़कियां तभी जब वो खुद जागरूक होंगी तभी सुरक्षित रह पाएंगी। हम खुद सिस्टम से सवाल नहीं करते हमें क्या जरूरत पड़ी है हमें क्या मतलब है, करते हम सवाल जाके, कभी पूछा किसी ने अपने काउंसलर से अपने कभी किसी एमएलए से जाके यहाँ काम क्यों नहीं हो रहा है, किस तरीके का प्रोजेक्ट लगाया है उन्होंने, क्या काम हो किया है अपने 5 सालों के अंदर। आते हैं लोग वोट लेते हैं फिर तस्वीरें बदल जाती हैं, कभी कोई वोट था फिर कभी कुछ और वोट लग जाता है, हालात वो वही के वही है। अभी देखिए हालात देखिए, रोडों की हालत देखिए, नाले की हालत देखिए, वही के वही है। इतना वक्त हो गया नेता बदल रहे हैं चीजें नहीं बदल रही, क्योंकि हम आप एजुकेटेड हो के भी कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप मेरी बात करेंगे तो मुझे अपनी प्रोफेशन से जितना वक्त मिलता है, मान लो मैं अगर जल्दी फ्री होगी 3 बजे फ्री होगी तो भागते दौड़ते कहीं ना कहीं पहुंच जाओ, कुछ कर कुछ मदद मिल जाए किसी को। मैं भी चाहूँ तो मूवी देखने चले जाऊंगी मॉल चले जाऊंगी, क्या फर्क पड़ता है। आजकल फैशन हमारे देश में देखा है दिल्ली में हम सब फैशन से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, हर किसी को पसंद है अच्छा दिखना अच्छा पहनना। आजकल सलोन इतने खुल गए हैं, इतने आप देखिए कि आपका मेकओवर कि आप कैसे मेकओवर आपको बदल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जो सिस्टम जो नहीं बदल रहा, आप अपना तो मेकओवर कर लेते हैं, समाज का मेकओवर नहीं हो पा रहा है तो वो कौन करेगा, तो हम ही करेंगे, कौन करेगा और। लेकिन हमें तो जरूरत ही नहीं है, अपने घर से फुर्सत नहीं है, मूवी देखने से फुर्सत नहीं है, दोस्तों से मिलने से फुर्सत नहीं है, कौन करेगा। थोड़ा सा वक्त मिलता तो सोचते चलो यार वहां तक बाइक लेकर घूम आते, देख ही आते कहां क्या चल रहा है। लेकिन ये कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जो बहुत सीरियस प्रोफेशंस हैं, मीडिया है, एडवोकेसी है, ये कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जो बहुत सीरियस प्रोफेशंस हैं और इसमें आप मजाक नहीं कर सकते, ना अपने साथ ना सिस्टम के साथ और ना बाकी लोगों के साथ, फिर तो मजाक ही चलेगा जो चल रहा है देश में। आज अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए चाहे कुछ मर्जी हो जाए, मुझे अपने जो सिद्धांत है अपने मेरे प्रिंसिपल्स हैं जो मैं आज बनाऊंगा उसको मुझे तोड़ना नहीं है। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा भाई कोई आपको धमकी देगा, ऐसा नहीं धमकियां हमें नहीं मिलती हैं या हम उन चीज़ों से रूबरू नहीं होते हैं, हम भी होते हैं, हमें भी कई बार डराया धमकाया जाता है आप ये मत करिए आप वो मत करिए। तो अगर हम डर के बैठ गए, हर आदमी डर के घर में बैठ जाएगा तो आवाज कौन उठाएगा आपकी हमारी, कोई नहीं उठाएगा। और सबसे बड़ी चीज जो है ये है कि हमें अपने सिस्टम को किस तरीके से बदलना बहुत वक्त लगेगा, हमें अपने आप को बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा, बहुत मजबूत। कहते हैं कि थोड़ी सी हवा आई आंधी आई हल्की सी आई और उड़ के चले गए, वो नहीं करना है अपने आप को, वो नहीं बनाना। परेशानियां आएंगी क्योंकि जब आप एक राह पे निकलते हैं तो परेशानियां आती हैं। अच्छा मैं ये बातें कुछ ऐसी बातें कर रही हूँ जो हर किसी को शायद पता होगी, ये ऐसी कोई नई बात नहीं बता रही हूँ मैं आपको। लेकिन एक होता है ना कि जब आदमी
कहीं स्पीकर बन के जाता है तो थोड़ी बहुत अपनी बात रखता है, थोड़ी बात लगता है कि शायद ये बात हम सबको पता होती है। कई बार मैं भी अपने बड़ों के साथ बैठी तो वो मुझे यही बात समझाते हैं जो मैं आपको समझा। इससे सिर्फ कुछ नहीं होता, सिर्फ सेल्फ मोटिवेशन मिलता है। हमें पता सब कुछ है, मैं ये नहीं कह रही कि हमें पता नहीं है कुछ। मैं ऐसे कुछ आज लेक्चर देके चली जाऊंगी यहाँ पर कि अरे इनको तो कुछ पता नहीं था, मैंने सब बता दिया। मुझे पता है आप लोगों को सब कुछ पता है। मुझे ये भी पता है कि शायद मेरी कुछ इन बातों से सब कुछ बोर भी हो रहे होंगे लोग बैठे, लेकिन मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि इन सबको जब हम बार बार सुनते हैं ना तो हमें अच्छा लगता है, और कुछ नहीं। अच्छा लगता है सुनना कई बार, और कई बार हम नहीं सुनना चाहते या अच्छा लगता है हमें सुनना कि यार ये क्या बोल रहा है, इसकी जिंदगी की अपनी कहानी क्या है। हम भी बहुत लोगों को पढ़ते हैं, बहुत लोगों को सुनने जाते हैं कि पता नहीं इससे हमें क्या सीखने को मिल जाए, क्या समझने को मिल जाए, जबकि वो बात वही बेसिक कर रहा होता है जो मैं कर रही हूँ, कुछ नया नहीं कर रहा होता है। जब मैं वहाँ गई थी बार एग्जाम के लिए, हम जाते हैं वो एक इंटरव्यू होता है, तो जब वहाँ पे गई थी तो वहाँ पे भी 1 घंटे का लेक्चर मैंने सुना था, यही जो मैं आपको बोली कि ये आपको ऐसे करना है, आपको वैसे करना है, फेयर रहना है, ये करना है। लेकिन वही समाज में लोग रहते हैं तो इधर उधर चीजें जो है हो ही जाती है। तो सिर्फ मैं यही कहूंगी जो भी है आप लोग जहां भी हैं जिस भी चीज में इंटरेस्ट है वो करें, लेकिन अच्छा करें, ईमानदारी से करें। ईमानदार रहना जरूरी है, बजाय ज्यादा पैसे कमाने के, बजाय पब्लिसिटी के कि कोई बात नहीं थोड़े कम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमा सकते। एक वकील कम पैसा कमाता है, एक जर्नलिस्ट कम पैसा कमाता है, मैं अंजना ओम कश्यप या बाकी और किसी की बात नहीं कर रही, वो कितना कमाते हैं उनको छोड़ दीजिए, लेकिन एक जर्नल आप जर्नलिस्ट थे या हैं अभी भी कुछ कर रहे हैं जर्नलिज्म में भी, तो आपको बखूबी पता होगा कि एक जर्नलिस्ट की तनख्वाह क्या होती है। बहुत कम तनख्वाह होती है। तो कुछ लोग ऐसा सोच रहे थे कम टाइम में पैसा ज्यादा कैसे कमाएगा, तो वकील भी यही सोचता है और डॉक्टर भी यही सोचता है, इसीलिए तो भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, इसीलिए तो सब चीजें हो जाती है। अगर कम टाइम में जो अल्लाह और हमारी किताबों ने बताई है चीजें, हम कुरान पे चलने लग जाए, हम अपनी बोली किताबों पे चलने लग जाए, तो सुकून आ जाता है थोड़े से टाइम, थोड़ी सी चीजों में। हमने एक बेसिक कपड़ा भी पहना तो हमें लगेगा नहीं हमें इतना ब्रांड की जरूरत है। ब्रांड तो बहुत है मार्केट में, हद ना ही रहा है, अब हर आदमी निकाल ही लॉन्च कर ही रहा है। एक छोटी सी चीज में अगर हमें सुकून मिलने लग जाए तो फिर हम कहेंगे हमें ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। सिंपल लिविंग, वरना तो ख्वाहिशों की तो कोई लिमिट ही नहीं है। आप जितना मर्जी ख्वाहिशें, घर बनाया मैंने, घर लिया सौगत के लिए, सोचा यार ये तो छोटा पड़ रहा है, 150 लेना चाहिए था, 200 लेना चाहिए था, और यहाँ नहीं इस ये वाला फ्रंट होना चाहिए था और ऐसी जगह होना चाहिए था, तो इसकी तो क्या कोई लिमिट ही नहीं है। और अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो कि भाई मुझे ये पूछना है कि मुझे इस चीज के बारे में जानना है, या ये तो मैडम बहुत ज्यादा बकवास कर रही है, बहुत ज्यादा समझा रही है, मैं इनसे जरा पूछूं किसी चीज के बारे में, वो पूछ सकते हैं आप कोई भी।